नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे, सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कल ही किसी ने एक कहानी सुनाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार एक कुम्हार होता है और उसका गधा, जिससे वो मिट्टी लाता है और फिर अपना बाकी कार्य करता है, तो वो गधा जो है वो गड्ढे में गिर जाता है। अब कुम्हार जो है उसको गधे को निकालना अकेले से संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल उसे हो रही थी। तो वो सोचता है कि इस गधे को इस मिट्टी के गड्ढे में ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, वैसे भी अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया है, इसकी उम्र हो गई है, तो इसको यहीं पड़े रहने देते हैं। लेकिन एक ख्याल उसके मन में ये भी आता है कि मैं इस गड्ढे को मिट्टी से भर देता हूँ। तो वो कुम्हार उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर देता है। अब जैसे वो मिट्टी डालता है तो वो जो गधा है वो काफ़ी बुद्धिमान है, अपनी वो बुद्धिमानी दिखाता है। और वो क्या करता है कि जैसे जैसे कुम्हार मिट्टी डालता है उस गड्ढे में, उस गधे के ऊपर वो मिट्टी डलती है, तो गधा हर बार उस मिट्टी को झाड़ देता है, अपने ऊपर से हिला के गिरा देता है। और जैसे जैसे वो उस मिट्टी को नीचे गिराता है तो मिट्टी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और गधा उसके ऊपर खड़ा है। तो धीरे धीरे करते करते कुम्हार इधर से मिट्टी डाल रहा है, उधर से जो गधा है वो उसको झाड़ देता है, और ऐसे करके वो गधा ऊपर आ जाता है। मिट्टी नीचे हो जाती है, गधा ऊपर आ जाता है और वो निकल के भाग जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो दिन के कार्य रहते हैं, प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, हमारे पास भी, हमारे ऊपर भी इसी तरह से बहुत सारी मिट्टी लोग डालते रहते हैं। कभी वो मिट्टी नेगेटिविटी की होती है, तो कभी वो मिट्टी व्यर्थ की होती है, कहीं जेलसी की होती है, कहीं लेग पुलिंग की होती है, कहीं कंपैरिजन की होती है। तो ऐसे ही मिट्टी हम पर रोज़ डलती रहती है, इधर से उधर से। लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है कि अगर लोग हम पर मिट्टी डाल रहे हैं, हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है, अगर वो सही है, सच में हमारी कोई कमज़ोरी है, हमारी कोई कमी है, तो हमें उसको स्वीकार करके उसमें सुधार कर लेना है। उस मिट्टी का इस्तेमाल हमें ऊपर आने के लिए, यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर लेना है। और अगर हमें लगता है कि ऐसी बातें हो रही हैं तो हमें उन बातों को स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं। और आज इसी तरह से काफ़ी सारे आपके प्रश्न हमारे पास पहुँचे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी जैसे मिट्टी डालने की बात कही तो ऐसा ही प्रश्न धनंजय जी पूछ रहे हैं कि अक्सर लोग चलते फिरते क्रोध के पुष्प हम पर चढ़ाते रहते हैं और हमें पता है कि ये उनकी वो भड़ास अंदर की निकाल रहे हैं, तो कुछ टाइम तो हम शांत रहते हैं लेकिन फिर हमें भी क्रोध आ जाता है, तो हम क्या करें? जो धनंजय भाई पूछ रहे हैं उनकी बात बड़ी दमदार है आज के समय में। बिल्कुल। कि जब कोई चलते फिरते ऐसे बोले तो हम सबको अंदर से तो बहुत ख़राब लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पर एक बात ये भी समझनी होगी कि जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है जी। अंदर से कहीं ना कहीं वो अकेलापन, खालीपन इस तरह से फील कर रहा है कि वो हमारे सामने क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है। तो हमें उसको समझते हुए कि आत्मा इस समय मानसिक रोगी है, बीमार है, मेरा फर्ज है कि मैं तुरंत प्रतिक्रिया ना करूं। अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी तो मैं भी बीमार के साथ बीमार ही हो गया ना। मुझे वहाँ पर अपना भी ध्यान रखना है और ये ज़रूर समझने की कोशिश करनी कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है, ये आत्मा जो ऐसा कर रही है इसके पीछे क्या कारण है, क्या मैं उसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि शायद वो अभिमान है उनका, जो वो हर एक पर गुस्सा इस तरह से करते रहते हैं। हो सकता है कभी वो अपने ईगो के कारण कर रहे हों, कभी अपने अंदर के खालीपन के कारण कर रहे हों, किसी गलत संग के कारण कर रहे हो जी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरी तरफ से उनके पास कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। ये चीज़ हमें समझ के जानी होगी कि हम जो करेंगे ना उसका फल निश्चित है। आज मैं अगर कुछ गलत रिस्पॉन्स दूंगी तो फिर दोबारा मेरा हिसाब किताब उनके साथ बन जाएगा। तो हमें हिसाब किताब बनाने नहीं, हिसाब किताब पिछले भी क्लियर करने हैं। यानी अभी अगर वो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं तो ये मेरा पूर्व का कोई अकाउंट हो सकता है जो वो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। अगर मैं भी क्रोधी बन जाती हूँ तो फिर से हमारा अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप अपने अच्छे स्वमान में रहते हैं
तो फिर आपकी स्थिति को कोई हिला नहीं सकता जी। मतलब जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वहाँ तक पहुँचने में नो डाउट बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या की ज़रूरत है। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो आपके ऊपर उन बातों का असर नहीं पड़ेगा। और अभी भी जब आप रोज़ मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो अपेक्षाकृत कम पड़ता होगा। तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना है और उनके लिए एक अच्छी बात सोचें कि ये सोल तो बहुत अच्छी है पर इस समय इसका रोल अच्छा नहीं चल रहा, तो बाबा इस आत्मा के चित्त को शांत करना, क्योंकि उस आत्मा का चित्त जब जलता है तो वो खुद भी परेशानी होता है। तो कोई भी कह सकता है कि गलत कर रहे हैं, इधर उधर वर्णन भी कर सकता है, पर उनकी मदद हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको हम गुड वाइब्रेशंस दें कि बाबा इस आत्मा का चित्त शांत हो जाए। उनके मस्तक में स्टार देखते हुए जब ऐसा संकल्प करेंगे तो उनका भी चित्त शांत होगा और हमारा अपना भी होगा। तो इसलिए यदि इसी से जुड़ता जो हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई झूठे एलिगेशंस लगाते हैं तो हमारी नाराज़गी उनसे स्वाभाविक हो ही जाती है और ये बहुत लंबे समय तक चलती है, तो यहाँ क्या किया जाए? फॉल्स एलिगेशन भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं व्यक्ति को, क्योंकि जो व्यक्ति सच है और वो वैसी बातें सुनेगा तो ज़रूर आएगा उसके मन में कि अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमें पता है ये है ही फॉल्स एलिगेशन, एटलीस्ट हमें खुद में तो डाउट नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर मैं ठीक हूँ तो उस समय हमें अपने स्थिति को ज़रूर संभाल के रखना है कि ये आत्मा जो बोल रही है कोई बात नहीं, इसने कह भी दिया, मुझे खुद में विश्वास है ना, तो मैं अपनी स्थिति को डगमगाने ना दूँ। और फॉल्स एलिगेशन करने वाले व्यक्ति के प्रति उस समय अच्छा सोचना, बहुत अच्छा सोचना कई बार मुश्किल पे लगता है, रादर बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि अब इसके लिए अच्छा क्या सोचें। तो ऐसे ही आत्मा के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। तो दीदी जैसे हमने उन्हें कहा कि बाबा इनको सद्बुद्धि देना, तो एक बार का कहना काफ़ी है, ये बार बार हमें कहते रहना है और कब तक कहते रहना? देखिए अगर आपकी एक एसेट चलती रहेगी ना कि इन्होंने बड़ा गलत किया है, बड़ा गलत किया है, तो आपका आपकी एनर्जी भी वेस्ट जाएगी और वो वाइब्रेशन वहाँ तक भी जाएंगे। जिस समय आपके मन में वो बात अखरने लगती है ना, खटकने लगती है, आपको परेशान करने लगती है, तो उस समय आप अपने आप को ये बात कहें कि बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि देना। वैसे ये बहुत बड़ा पाप भी होता है, किसी के ऊपर अनावश्यक आप इस तरह से फॉल्स एलिगेशन कर देते हैं, कुछ लोगों से सुनी सुनाई बात को सुनकर किसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा पाप बनता है और इससे आत्मा बोझिल हो जाती है। आजकल आपने देखा होगा लोग डिप्रेशन में कितने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ इस तरह के किए पाप कर्म हैं जो उस समय हमें पता नहीं चले पर आज वो डिप्रेशन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा भी होता होगा कि हमने नहीं बोला लेकिन जिन्होंने बोला हमने उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, हमने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन हमने हाँ में भर दी। तो इसमें भी हमारा गलत चीजों में हाँ मिलाना ये भी पापी होता है। ये भी विकर्म होता है जिस चीज का हमें पता ही नहीं, आपने कोई पुष्टि नहीं की उसकी, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस किसी ने कहा आपने ऐसे मान लिया, तो ये तो पाप ही है ना। ऐसे में साथ नहीं देना है किसी का। ऐसे जो हमसे पाप हो गए हैं उनके लिए हम क्या करें? अगर हमसे अनजाने में हुए हैं, हमें पता नहीं था, इस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे, आज हमें समझ में आ रहा है ज्ञान के कारण, तो हमें सबसे पहले बाबा के सामने बैठ के ना एक बार अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखना, डिटैच होकर देखना कि जब से मुझे समझ मिली 7-8 वर्ष से मुझे अपने किए पाप पुण्य सब याद है, तो तब से लेके मैं अपनी यात्रा को देखूं कि ऐसा कब कब हुआ कि मैंने गलत चीज़ों में हाँ कर दी। तो आज बाबा के सामने बैठकर मैं उसको पत्र के रूप में लिखूं और स्वीकार करूं कि बाबा ये मुझसे अनजाने में मिस्टेक हुई, पर आज मैं आत्मा अपनी इस भूल को रियलाइज करती हूँ और आपसे क्षमा चाहती हूँ। दिल से हम महसूस करें कि ये मुझसे अच्छा नहीं हुआ। किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बातें बोल देना, तो ये विकर्म का बोझ आत्मा को खुशी का अनुभव नहीं करने देगा। कभी भी जहाँ भी जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वहाँ हम उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये भी एक पनिशमेंट ही है ना कि हम जी तो रहे हैं पर सही खुशी से तो नहीं जी रहे ना। दिन काटने जैसी स्थिति हो रही है, मजबूरियों से जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, तो अच्छा यही है कि हम उसको सही तरीके से रियलाइज़ करें
और फिर 11 दिन का योग करें हम अपने लिए। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं अपनी कमियों को भी देख सकती हूँ, मिटा भी सकती हूँ। और यदि हमने खुशी खुशी किया तो आप देखना आपको एक हल्कापन अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। हम ना सुन तो लेते हैं कि हाँ करना चाहिए, बट करते ही नहीं है। करते सुनते बहुत कुछ सुनते हैं है। अभी कितनी बार हमने सुन लिया होगा कि मैं इसे करना चाहिए, वो तो केवल एक आदर्शवाद बन जाता, आइडियलिज्म बन जाता। लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तब तक इनर स्ट्रेंथ फील नहीं होगी और हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं मिलेगा हमें तो ये करने से होगा। एक तो बाबा को हम लेटर लिख लें और रियलाइज कर लें दिल से, रियलाइज कर, और दूसरा हम योग बच्ची कर लें। 11 दिन 11 घंटे समझो, एक एक घंटा प्रतिदिन अच्छे स्वमान के साथ हम योग करें कि मैं पावरफुल सोल हूँ और मैं अपनी उस कमियों को भी देख रही हूँ कि मेरे से हुई है, और बाबा की शक्तियों से जैसे वो चीज़ें जल रही हैं। ऐसा जिन्होंने भी किया है तो वो आत्माएं काफी अच्छा फील करती हैं। दीदी जैसे आपने स्वमान की बात कही, तो क्या एक स्वमान सबके लिए ठीक रहता है या अलग अलग स्वमान होना चाहिए? आपको जिस स्वमान में टेस्ट आता हो ना, आप उसको अपना प्रिय स्वमान बार बार अभ्यास करें। स्वमान तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो एक में ही बहुत सारी चीजें समा जाती हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान के अभ्यास से आप अपने भय के संस्कार को जीत सकते हैं, इस एक स्वमान से आपके अंदर अपनी पवित्रता की ताकत को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी प्राप्तियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और स्वमान भी हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूँ, या मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। माया जीत बनना है तो ये अभ्यास करें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। काम जीत बनना है तो मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ। तो अपनी कमी के हिसाब से हम स्वमान ले सकते हैं, और किसी को यही प्रिय लगता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उसकी चलते फिरते खूब प्रैक्टिस करें एक अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ, जैसे अलमाइटी की पावर्स आप में आ रही हैं और आप उस एनर्जी से फुल हैं। दीदी अक्सर हमने ये बात सुनी होती है कि जैसा हम रात को कुछ पढ़ के सोते हैं तो सुबह वैसे ही विचार हमारे मन में चलना शुरू हो जाते हैं। इसी बात को लेकर दीदी यूपी से जुनैद का सवाल है कि जैसे रात को सोचकर सोएंगे सुबह वही विचार मन में चलेंगे, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स या गुस्से वाले थॉट्स मन में आने लगे, जबकि मैं रात को अच्छी किताब पढ़ के सोया था, और फिर इस वजह से मेरा सारा दिन खराब होता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जुनैद भाई, अगर प्रतिदिन मेडिटेशन करके सोते हैं, मुरली पढ़ के सोते हैं, या कुछ अच्छा अध्ययन करके सोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बार वो रीचेक कर लें अपने आप को कि जब आप सो रहे थे तब आप अच्छी स्थिति में थे, या सुपरफिशियल लेवल पे दो चार अच्छी बातें सुनी और योग करके सिंपली, एक होता पावरफुल योग करके सोना और दिन वाला इरेज करना। दिन वाली चीज़ें अगर आपके ऊपर हावी हैं तो वो दिमाग से तो गई नहीं, वो सवेरे फिर फाइल क्लिक हो जाएगी अच्छे से ना। अच्छा। जब आप सो रहे हैं तो अच्छे से मेडिटेशन करके सोने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन में कितना टाइम होता है कि जब हम बीच बीच में अपने आप को चेक करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस लेवल पर वर्क करेंगे ना तो आप मुस्कुराते हुए उठ सकते हैं। मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब हम सो रहे हैं तो दिन भर की बातों को एक बार आप विज़न को सामने लाओ, और उसके अंदर कैसे उसको आप चेंज करेंगे वो दृश्य भी सामने लाओ। मान लो आज के दिन में मैंने किसी को गलत बोल दिया, तो मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ कि ये बिना बोले भी तो काम चल सकता था ना जी। और ये जो गलत शब्दों का प्रयोग किया इसके स्थान पर कुछ वरदानी बोल भी हो सकते थे जी, तो उनको चिंतन करके मैं सोऊँ कि नेक्स्ट डे मुझे अपने में चेंज लाना है। थोड़ा सा डीप रूटेड जब आप काम करेंगे ना, और याद करते करते कुछ अच्छा चिंतन करके सोएं कि आज मैं खुश हूँ, किस बात से खुश हूँ, प्रतिदिन का संस्कार बना लें, तो आपका नेक्स्ट डे हैप्पीनेस से स्टार्ट होगा। नहीं तो पिछली कोई भी पुरानी फाइल खुल जाएगी और दिन भर में वही वेस्ट नेगेटिव चलता रहेगा, सारा दिन खराब होता रहेगा। और उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आ भी गया ना फिर से बैठो बाबा के सामने और चेक करो। जैसे झाड़ू लगती है तो धूल भी तो उड़ती है ना, तो थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन जब हो रहा है तो वहाँ धीरज की ज़रूरत होती है। यदि आपने झाड़ू की बात कही, हमारा प्रश्न इसी से संबंधित है। वर्तमान समय जो झाड़ फूक वाले जो बाबाज हैं ये बहुत सारे हो गए हैं। और दीदी किसी बहन का आज ये प्रश्न रहा था कि किसी पंडित से उनकी मुलाकात हुई है, फ़ोन के थ्रू ही, फ़ोन कॉल से बात हुई है। उन्होंने बोला कि जो लाइफ में ऐसे दो चार बातें उनकी पास्ट की बता दी उन्होंने,
और उन्होंने बोला कि आप अपने घर में, जैसे उनके यहाँ बेबी नहीं है, वो बेबी चाहती हैं, पोता चाहती हैं, तो कुछ चीज़ें करने को बोली। और वो चीज़ें जब की तो दो चार दिन तो चीज़ें ठीक रही, फिर उन्होंने उनको एक नारियल दिया है और अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और वो पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास आओ और 10,000 रुपया एक बार का खर्चा लगेगा और कई बार आना पड़ेगा। तो अब ये जो बहन है ये दुविधा में है कि ये क्या करें। आजकल ये बात बहुत देखने और सुनने में आती है, बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें जो घर में रहती हैं वो इन चक्रों में बहुत अधिक पड़ जाती हैं कि चलो हम किसी बाबा के पास जाएं और पूछ के आएं कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही या हमारे पास संतान नहीं है। किसी को भी जब आप अपना हाथ दिखाते हैं तो ये एक बात प्रमाण है कि आपको अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है, आप दूसरे चक्रों में चले गए जिनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी माताओं के मैंने अनुभव सुने हैं कि वो कुछ ठीक कराने के लिए अपने किसी तांत्रिक के पास गई, किसी बाबा के पास गए, उन्होंने कहा पहले ये चीज़ लेके आओ, फिर कहा इतने 1,000 रुपये लेकर के आओ। लेकिन चक्रों में जाने की बजाय आप पावरफुल योग करें, अपने घर का वातावरण अच्छा बनाएं, घर के अंदर सुख शांति का वातावरण बनाने के लिए गहन तपस्या करें। परिवार में रहते हुए यदि सब मिलकर के कुछ अच्छा तपस्या का प्रोग्राम बनाएंगे तो घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब ठीक हो जाएगी। इन चक्रों में पड़ कर के हमें कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हम तो बहुत कुछ खो देते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि मेरे पास संतान हो और वो पाने के चक्कर में दूसरे की संतान की बलि दे रहा है, तो आप सोचिए सीड कौन सा है, हमारे अंदर विचार कौन सा चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। क्या दूसरे की संतान को छीन कर बलि चढ़ा कर क्या हमें जो संतान प्राप्त होगी वो सुख दे पाएगी? ये वो हिसाब किताब है जो एक जन्म तो क्या कई जन्मों तक भी चुकतू नहीं हो पाते हैं। और ये पाप पाप महापाप है, हमें कभी भी इस तरीके से दूसरों को दुख नहीं देना। ईर्ष्या के वश होकर, गलत फहमी के शिकार होकर, किसी के कहने पर आकर इन चक्रों में पड़ जाना और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को खो देना, ये समझदारी नहीं है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहनें माताएं भोजन बाबा की याद में बनाकर बाबा को भोग लगाएं, घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है ठीक हो जाएगी। आप एक लक्ष्य लें, हर रोज़ तो आप बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं ना, आज भी बच्चे स्वीकार करेंगे, आपका पति भोजन स्वीकार करेगा, पर आप 11 दिन इस संकल्प से भोजन बनाइए कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, और उस प्रसाद को प्यार से बनाकर परमात्मा को भोग लगाकर सब्जी को सब्जी में मिलाएं, चपाती को भी थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, पानी को भी पानी में मिलाएं, चार्ज करके अगर आप भोजन स्वीकार करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, घर का वातावरण बहुत सुंदर हो जाएगा। इसके साथ साथ अमृत वेला बहुत अच्छा आप अपने घर में करें। अगर आपको लगता कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो सारा ही परिवार मात्र 20 मिनट शक्तिशाली अमृत वेला योग करें, बाबा का आह्वान करें। आप करके देखना, मेरे पास बहुतों के ऐसे अनुभव आए कि घर में जितनी भी विकट से विकट परिस्थितियाँ थी, घर के अंदर जो भी अशांति का वातावरण था, इन छोटे छोटे प्रयोग से आज वो घर स्वर्ग बन गया है। सोचो जिस घर में हर रोज़ बाबा का आह्वान होता है, बाबा स्वयं चक्र लगाते हैं, तो वहाँ दुख अशांति परेशानी या असफलता कैसे रह सकती है? अगर आप अपने घर के अंदर बाबा को याद करते हैं, बाबा का चित्र लगाते हैं, तो वहाँ कोई नेगेटिव फोर्स वैसे भी नहीं रह सकता। प्रवेश द्वार पर ही आप ज्योति बिंदु बाबा का लाइट वाला जो शिव बाबा का चित्र होता है, कास्केट होता है, वो लगाएं। जब कोई प्रवेश करे, आते उसकी दृष्टि परम पिता पर पड़े, तो ये चीज़ें आपको बाह्य प्रभाव से काफ़ी मुक्त करेंगी। विश्वास रखें, निश्चय रखें, आपका हाथ कल्याणकारी ने पकड़ा है तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। परमात्मा की याद में वो ताकत है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है, मुश्किल भी आसान हो जाती है। घर के अंदर जो भी आपको लगता है कि विघ्न आ रहे हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। तो मैं
सभी बहनों से कहना चाहूँगी, जो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं आप वो करना शुरू करें। आप किसी इधर उधर बाबाओं के चक्कर में ना आए, ना ही अपना हाथ दिखाने की किसी को कोशिश करें। बुरा मत मानिएगा, ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत से लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अगर आपको बाबा पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, ऑलमाइटी अथॉरिटी पे विश्वास है, जो इस दुनिया के गुरुओं का गुरु है, जो इस संसार के पिताओं का पिता है, सारे विश्व का कल्याणकारी है, अब आप उसके सानिध्य में आ जाइए, उसे याद कीजिए, अपना सब कुछ उसे सौंप दो कि बाबा जो कुछ करना है वो आपको करना है, आप जो मुझे मार्ग दिखाएंगे मैं उसी पर चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप छोटा सा भी ये परिवर्तन लाएंगे तो आपका घर खुशहाल बन जाएगा। बिल्कुल आपने सही बातें कही। ऐसी बहुत सारी माताएं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, उनके पास जाएं और वहाँ मिलता कुछ भी नहीं है। और अगर बाबा पर निश्चय है, भगवान पर निश्चय है, उसकी शक्तियों पर निश्चय है, फिर तो किसी को हाथ दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दीदी, वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी है वो फिर से बहुत अधिक बढ़ गई है, बहुत विकराल रूप उसने धारण कर लिया है। तो दीदी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अध्यात्म हमें कैसे इसमें मदद कर सकता है कि हम स्वयं को भी सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी हम सुरक्षित रखें, तो इसमें क्या हो सकता है दीदी? नो डाउट, आजकल कोरोना महामारी चारों तरफ से बहुत अपना प्रकोप डाले हुए है, चारों तरफ भय का वातावरण है, असुरक्षा का वातावरण है। जिस किसी को भी देखो, दिन भर में चर्चा भी कोरोना की करते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन, बातें सब वही चल रही हैं। मैं विशेष रूप से बात कहना चाहूँगी कि ये बीमारी तो बीमारी है ही, लेकिन इसे सोच सोच कर हम बड़ा ना करें, ना तो हम डरें कि ये बीमारी चारों तरफ फैल रही है। अगर हम डरेंगे तो डर से हम इस बीमारी को और बढ़ा बैठेंगे। ना तो डरना है और ना ही केयरलेस होना है, ध्यान भी ज़रूर देना है। जो भी हमारी सुरक्षा के लिए बातें कही गई हैं कि हम मास्क लगा के रखें, 30 सेकेंड तक अपने हाथों को धोएं, इन स्थूल चीज़ों पे भी हम पूरा पूरा ध्यान दें, केयरलेस भी नहीं होना और डरना भी नहीं है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत आवश्यकता पड़ने पर जब निकलना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति है, तो आप कोशिश करें 1 मिनट मेडिटेशन करके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच को अनुभव करें। परमात्मा की शक्तियों का एक सुरक्षा कवच, आभा मंडल अपने चारों ओर अनुभव करें और चिंतन करें, मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, परमात्मा की शक्तियों के नीचे सदा स्वस्थ हूँ और विश्व की सब आत्माएं सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, इस महामारी से मुक्त रहें। जिसको भी हम देखें, उसके भी मस्तक में आत्मा देखते हुए एक अच्छा संकल्प करें कि आप सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें। जितना चिंतन अच्छा होगा, आपका जो स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है वो पावरफुल होगा, तो आपके ऊपर बाह्य चीज़ों का असर कम होगा या नहीं होगा। आपको अपने में विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। जैसा समय चल रहा है उस समय के हिसाब से सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ आवश्यकता पड़े घर से बाहर जाने की, वहाँ सुरक्षा कवच बना करके तभी प्रस्थान करें। और याद रखें कि मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, भगवान मेरा साथी है। जी दीदी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकल भी वो चीज़ें हम पर इतना असर नहीं डालेंगी, और जो सरकार ने भी नियम बताए हैं तो उनका भी हम पालन करें। और जो राजयोग दीदी आपने सिखाया है, दीदी अगर आप 1 मिनट हमें इसकी अब प्रैक्टिस करवा दें तो सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे जी। मन ही मन शुभ चिंतन करें, मस्तक में विराजमान सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे चारों ओर परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। इस कवच में मैं संपूर्ण स्वस्थ, शक्तिशाली हूं। परमात्मा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। विश्व की सब आत्माएं मेरा परिवार है। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहे, आनंदित रहे, सबका कल्याण हो। स्वयं भगवान मेरा साथी है। सभी आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में स्वस्थ रहे। ओम शांति। दीदी, बहुत सुंदर अनुभूति आज आपने हमें कराई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा का। शांति। तो हम सब ने जाना कि सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में छिपा हुआ है, विशेषकर परमात्मा का जो ये ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, और परमात्मा ने जो हमें सहज राजयोग सिखाया है, इसका अभ्यास करके हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, किसी भी विघ्न को हम जीत सकते हैं, चाहे वो ये कोरोना महामारी है या अन्य कोई भी विघ्न हमारे जीवन में है। तो हम बहुत सुंदर परमात्म शक्तियों का, परमात्म दुआओं का सुरक्षा चक्र अपने चारों ओर बना लें, उस आभा मंडल में, उस सुरक्षा के घेरे में हम रहें, तो हमेशा ही सुरक्षित भी रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे, और हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। आशा है कि आज आपको आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य ही मिले होंगे, और जो रहे हुए सवाल हैं उनके जवाब आपको अगले एपिसोड में देने के भरसक कोशिश करेंगे। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। Yeah.